आज की पीढ़ी को अपनी संस्कृति से परिचित कराने के लिए कृष्ण गाथा से अधिक मनोरंजक और उत्तम भला क्या हो सकता है। कथा में किए गए परिवर्तनों का उद्देश्य किसी धर्म समाज की भावना को ठेस न पहुंचाकर बच्चों को सरलता और उत्साह से कृष्ण लीला का वर्णन करना है। जय श्री कृष्ण। मैं धरती हूँ। हजारों वर्ष पूर्व जब पाप और अत्याचार बढ़ने लगा, मेरी गोद में पलने वाले प्राणियों पर आए संकट को देखकर मैं कांप उठी। मैं गौ माता का रूप धारण कर संसार के रचयिता ब्रह्म की शरण में जा पहुंची। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा, मुझे इस संकट से मुक्ति दिलाएं, दानवों का नाश करें और सबसे बड़े अत्याचारी राजा कंस, जो स्वयं को भगवान समझ रहा है, उसका काल समाप्त करें। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट से हमें भगवान विष्णु ही मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान विष्णु को मेरी विपत्तियों का पहले से ज्ञान था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि दानवों और पापी राजा कंस का अति शीघ्र अंत होगा, क्योंकि वो स्वयं वासुदेव और देवकी की संतान के रूप में जन्म लेकर पापियों का नाश करेंगे। भगवान विष्णु का आश्वासन पाकर मैं प्रसन्नता पूर्वक लौट आई। लगा धरती पे छाने, पाप को इस धरती से मिटाने। पाप लगा धरती पे छाने, पाप को इस धरती से मिटाने, पाप को इस धरती से मिटाने। आन पधारे, पाप को इस धरती से मिटाने, आन पधारे। अपने क्या क्या रूप दिखाने, आन पधारे। पाप को इस धरती से मिटाने, आन पधारे। अज्ञानी राजा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से रचाकर खुशियां मनाने में मग्न था। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद जी जी मूर्ख कंस, तू अपने विनाश का उत्सव मना रहा है। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। ये विवाह ही तेरे विनाश का कारण बनेगा। देवकी और वासुदेव की आठवीं संतान ही तेरा सर्वनाश करेगी। तेरा काल समाप्त होने वाला है कंस। तू मेरे सर्वनाश का कारण बनेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी और इसी क्षण तेरा वध कर दूंगा। नहीं कंस, नहीं, इसे छोड़ दो। इसे ना मारो। दया करो कंस, दया करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं अपनी किसी भी संतान को तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं होने दूंगा। मेरी पत्नी को ना मारो, छोड़ दो उसे। दया करो कंस, हम पर दया करो। दया करो कंस, दया करो। नहीं, कदापि नहीं। मैं किसी संकट में नहीं पड़ना चाहता। मेरे घर में मेरा बैरी हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस पिशाचनी नारी को मार डालूंगा और अपने मृत्यु काल को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दूंगा। नहीं, नहीं, कृपा करो, ऐसा ना करो। छोड़ दो इसे, हमें जाने दो। कृपा करो कंस, कृपा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अपने हर संतान के जन्म लेते ही उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम चाहे तो उसके प्राण ले लेना, परंतु अपनी बहन देवकी के प्राण न लो। दया करो कंस, दया करो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ देवकी, परंतु अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई है? इन्हें काल कोठरी में डाल दो और इनकी संतान के जन्म लेते ही मुझे सूचित करो। ले जाओ इन्हें, मैं इनका मुंह नहीं देखना चाहता। शिशु जन्म तो ले, मैं उसके जन्म लेते ही उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। मैं देवकी की हर संतान को यमलोक पहुंचा दूंगा। क्या करें स्वामी, हम क्या करें? मेरे दुष्ट भाई ने सौगंध ली कि वो हमारी संतान के प्राण ले लेगा। मैं अपनी संतान को मरता हुआ नहीं देख सकती स्वामी। हम क्या करें स्वामी, क्या करें? चिंता ना करो देवकी, प्रभु पर विश्वास रखो, वो हमारे सारे दुख दूर कर देंगे। मेरा चंदा, मेरा प्यारा, मेरा सुंदर बच्चा, देखो स्वामी, इसका सुंदर मुखड़ा बिल्कुल आप जैसा है, नहीं? अरे नहीं, नहीं स्वामी, मेरा बच्चा। अच्छा, तो मैं मामा बन गया हूँ। लाओ देखूं तो तनिक अपने भांजे को। मेरा बच्चा, तुम तो जानती हो बहना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं अपने जीवन पर कोई दाव नहीं खेल सकता। तुम समझ सकती हो? छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। नहीं कंस, नहीं, भैया मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करती हूँ, दया करो, मेरा बच्चा है, छोटा नन्हा, मैं उसे लेकर कहीं चली जाऊंगी, क्षमा करो, दया करो, दया करो भैया, भैया। तुम्हें लज्जा नहीं आती देवकी? मेरी बहन होकर तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं, और अभी जन्म लिए हुए तुम्हें अपने शिशु की चिंता सता रही है, और हमारे इतने वर्षों के भाई बहन के संबंधों को भूल रही हो। तुम्हें अपनी संतान के प्राण मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं, ये जानते हुए भी कि ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। नहीं, मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। जिस तरह मैं इसके प्राण ले रहा हूँ, उसी तरह मैं तुम्हारी आने वाली हर संतान के प्राण लेता रहूंगा।
तुम्हारा एक भी शिशु बच नहीं पाएगा। आने वाला शिशु तुम्हारी सातवीं संतान होगी और इसके बाद मेरा काल जन्म लेगा। मैं उसे और तुम्हारी आने वाली हर संतान को इतनी ही सरलता के साथ समाप्त कर दूंगा। भगवान विष्णु का मानव रूप में अवतरित होने का समय निकट था। उन्होंने मायावी योग माया की सहायता ली। भगवान ने योग माया से कहा कि देवकी के गर्भ में वास करने वाली सातवीं संतान को उनके गर्भ से निकालकर गोकुल में वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दें। और योग माया ने ऐसा ही किया। फिर वो रात आ पहुंची जब भगवान जन्म लेने वाले थे। मेरा रोम रोम खुशी से झूम रहा था। हे वासुदेव, आज से हजारों वर्ष पूर्व तुम्हारा नाम प्रजापति सुतापा था और देवकी तुम्हारा नाम प्रश्नी था। उस समय भी तुम दोनों पति पत्नी थे और तुम दोनों ने एक पुत्र की अभिलाषा में बड़ी श्रद्धा पूर्वक मेरी तपस्या की थी। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र के रूप में स्वयं जन्म लिया है। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए प्रभु। हे वासुदेव, अब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम इस शिशु को ले जाकर गोकुलवासी नंद और यशोदा को सौंप देना और उनके यहां इसी समय जिस पुत्री ने जन्म लिया है उसे लेकर वापस लौट आना। कंस और उसके पहरेदारों की चिंता मत करना, मैं देख लूंगा। हे देवकी, मेरे बड़े भ्राता का जन्म हो चुका है। तुम्हारा सातवां गर्भ नष्ट नहीं हुआ था, मैंने उसे गोकुलवासी रोहिणी की कोख में सुरक्षित पहुंचा दिया था। वही मेरे बड़े भ्राता है। आपकी लीला न्यारी है, आप धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है और आपके आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे। किंतु हमारी आपसे एक विनती है प्रभु, कि आप एक साधारण बालक का रूप धारण करें। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरा लाल स्वामी, मुझे वचन दो, मेरे पुत्र को सुरक्षित गोकुल पहुंचाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ प्रिय, हमारे पुत्र को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, तुम चिंता ना करो। हमारे साथ है, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। प्रभु रक्षा करे, रक्षा करे।
भगवान मेरे पुत्र की रक्षा करना। तुम्हारा आठवां पुत्र मेरा काल, दिखाओ मुझे। तू समझता है कि प्रभु का लेख मिटा सकता है? जो बालक तेरा काल बनेगा वो तुझसे और तेरे क्रूर हाथों से सुरक्षित दूर जा चुका है। तूने अपनी बहन पर बड़े अत्याचार किए हैं, उसकी हर संतान की हत्या की, परंतु ये संतान जीवित है। तू अति शीघ्र देखेगा कि तेरा काल तेरे समीप खड़ा है, तेरा अंतिम समय निकट है दुष्ट। मुझे क्षमा कर दो बहना, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, अब तुम इस बंदी गृह में नहीं रहोगी, मुझे क्षमा कर दो। प्रहरी, द्वार खोलो। कंस का काल उसके हाथों से फिसल चुका था। योग माया की वाणी सुन उसके होश उड़ गए। हमारे राज्य में आज जन्म में हर नवजात शिशु को मृत्यु के घाट उतार दो। मैं अपना जीवन दांव पर नहीं लगा सकता। राज्य के प्रत्येक घर में जाकर देखो, पूरी सेना को इस काम में लगा दो, एक भी नवजात शिशु जीवित ना रहे। जाओ जल्दी, और तब तक लौट कर मत आना जब तक सभी शिशु मृत्यु लोक न पहुंच जाए, कोई भी ना बचे। जाओ।
कंस मामा और भी डरा हुआ था। उसकी आंखों से नींद उड़ गई थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुम हो। क्या हुआ महाराज, आज आप बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। ये देवकी का आठवां पुत्र मेरी व्याकुलता का कारण है। मैंने सैनिकों को आज्ञा दी थी कि सारे नवजात शिशुओं को मार दो, किंतु मुझे उन पर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि वो शिशु अभी तक जीवित है। तुम मेरा कार्य कर सकती हो पूतना, किंतु तुम कैसे करोगी? इसमें तो बड़ी चतुरता चाहिए। तुम्हें देखकर तो माताएं शिशुओं को छुपा देंगी। चिंता ना करें महाराज, आपका क्या विचार है। अब तो माताएं मुझसे अपने शिशुओं को नहीं छुपाएंगी ना। पूतना, ये कार्य कर दे, फिर तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारा। अब उस बालक को भूल जाइए महाराज, उसकी कथा समाप्त हो गई। मैंने सारे नवजात शिशु तो मार दिए, बस इसे छोड़कर अब इसे भी मार दूं तो मेरा कार्य समाप्त हो जाए। मुझे ज्ञात है मुझे इस बालक के साथ क्या करना है। मैं ये विष अपने स्तनों पर लगाकर इस बालक को अंतिम दुग्धपान कराऊंगी। चंचल बालक, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारा तो पेट खाली है, तुम्हें भूख लगी है। चिंता नहीं, मेरे पास तुम्हारी भूख शांत करने का साधन है। पूतना विष पिलाने चली थी, शिशु रूप प्रभु ने तो उसके प्राण ही चूस लिए। हे भगवान, मेरा लाल, मेरा लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हे प्रभु, ये राक्षसी यहाँ कैसे आ गई? अरे ये तो पूतना है, इसे किसने मारा? अरे देखो वो बालक, इस नन्हे बालक ने मारा है इस राक्षसनी को, इस नन्हे बालक ने। अरे ये कोई साधारण बालक नहीं है,
इसके पास तो अद्भुत शक्तियाँ हैं। तुम्हें तो बड़ा गर्व होगा अपने बालक पर। अरे हटो, मेरे लल्ला पर मलिन दृष्टि न डालो। प्रभु की कृपा से मेरा लाल सुरक्षित है। अब मैं इसे एक क्षण भी अपनी दृष्टि से ओझल न होने दूंगी। ये पूतना कहाँ चली गई? मेरे मन को शांति नहीं है। कम से कम ये संदेश तो मिले कि मैंने जो कार्य उसे सौंपा है वो संपन्न हुआ या नहीं। महाराज, पूतना का समाचार लाया हूँ। हाँ, हाँ बोलो, क्या समाचार है? वो कहाँ है? बोलो भी। पूतना की मृत्यु हो गई महाराज। क्या? पूतना मर गई? कैसे? साफ साफ बताओ, किसने उसके प्राण लिए? लोग कहते हैं गोकुल में एक नन्हे शिशु ने उसके प्राण ले लिए महाराज। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? एक शिशु? एक नन्हा शिशु भला किस प्रकार पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध कर सकता है? शिशु शूल की भांति गड़ रहा है। कौन मेरे लिए उसका वध करेगा? कौन 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 उसे मृत्यु लोक पहुंचाएगा? मैं उस बालक को मारूंगा महाराज। मैं किसी से नहीं डरता, मैं अभी जाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा तृणव्रत, जाओ शीघ्र जाओ। बहुत नटखट होता जा रहा है तू। हे भगवान, ये क्या लल्ला का इतना भार? उठ नहीं रहा है। स्वामी शीघ्र आओ, देखो क्या हो गया हमारे लाल को। उठाओ इसे। स्वामी। हे भगवान, ये तो तूफान है। ये तो हमारी ओर आ रहा है। शीघ्र उठाओ स्वामी, मेरे लाल को इस विपत्ति से बचाओ। भीतर ले चलो, शीघ्र उठाओ, अति शीघ्र नाथ। इसका भार मुझसे नहीं उठ रहा है यशोदा। मैं यत्न कर रहा हूँ, तुम भीतर जाओ, मैं इसे लेकर आता हूँ। नहीं, मैं अपने लाल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे भगवान, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम किसी चीज को थाम लो यशोदा, मैं अपने पुत्र को नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, मेरा लाल, मेरा लल्ला। हे भगवान, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। हे भगवान, हे भगवान। तू तो बड़ा साधारण बालक है। तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा।
स्त्री नावरत हवा में लेकर उड़ तो गया, प्रभु ने उसे अपने भार से गिराकर उसका विनाश कर दिया। स्वागत है आचार्य जी, स्वागत है। आप हमारे नियोतों पर आए, धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। आयुष्मान जी। आचार्य जी, विशेष कारण से आपको कष्ट दिया है। मेरे पुत्रों का पालन गोकुल में हो रहा है। मेरे ज्ञान अनुसार उनके नामकरण का समय आ चुका है। आपसे निवेदन है कि आप स्वयं अपने हाथों से उनका नामकरण करें और उनके लिए उपयुक्त नाम सुझाएं। वासुदेव, मैं तो ये शुभ कार्य स्वयं करना चाहता हूँ, किंतु सब जानते हैं कि मैं गर्गाचार्य यादवों का कुलगुरु हूँ। अगर मैंने ये कार्य किया तो सब जान जाएंगे कि ये तुम्हारे पुत्र हैं और उनके प्राणों पर संकट अधिक पड़ जाएगा। तो आप यूं करें आचार्य जी, एक छोटा सा गोपनीय समारोह करें। इससे मेरे पुत्रों का नामकरण भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कृपया आप मेरी विनती स्वीकार करें आचार्य जी। ये हो सकता है वासुदेव। धन्यवाद आचार्य जी। मैं नंद को संदेश भेज देता हूँ कि वो इस कार्य की सभी तैयारियां पूर्ण करें और आपकी प्रतीक्षा करें। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दें आचार्य जी, आप यहाँ पधारे। धन्यवाद। कितने सुंदर बालक हैं। इस बालक में अत्यधिक बल होने के कारण लोग इसे बल कहेंगे और ये अपने निकटतम प्रियजनों को अति प्रसन्नता देगा। इसका दूजा नाम होगा रामा और संपूर्ण नाम बलरामा। इस बालक ने हर काल में अवतार लिया है। पिछले युगों में इस बालक ने श्वेत, लाल और पीला रूप धारण किया था। इस अवतार में इसने सांवला रूप धारण किया है। इस कारण से ये कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। इस बालक के पास सुंदरता, धन, ख्याति, शक्ति सभी कुछ होगा और इसका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से करना। छोड़े ग्वाल बाल आयो नटखट नंदलाल। रामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कृष्ण के साथ भीतर खेलना। कहाँ है कृष्ण? वो भीतर है माता। ओ नहीं, फिर नहीं। बलराम, तुमने मटकी फोड़ी? सत्य बताओ मुझे, ये 3 दिन में दूसरी मटकी फूटी, अभी सत्य बताओ मुझे। या कृष्णा था माते, उसने ही फोड़ी होगी मटकी। कृष्ण? वो नन्हा सा, उसने कैसे उतारी होगी मटकी? मैं सत्य कह रहा हूँ माता, उसने ही फोड़ी होगी मटकी। तुम मुझसे पूछो। हाँ हाँ, उससे अवश्य पूछूंगी। चलो तुम स्नान घर जाके हाथ मुँह धो लो। कृष्ण, 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 अरे कृष्ण! क्या है मैया? सामने आओ, ये माखन की मटकी तुमने फोड़ी है? माखन? मटकी? ना मैया, मैं तो भीतर खेल रहा था। मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं। यहाँ आओ, तनिक अपना मुँह खोलो, अभी पता चल जाएगा तुम सत्य कह रहे हो या कि झूठ बोल रहे हो। कृष्ण, ए कृष्ण, भागो मत, ठहरो, यहाँ रुको।
अब मुझे पता चला कौन है ये माखन चोर। आज मैं तुम्हें अच्छा पाठ पढ़ाऊंगी, मटकी फोड़कर माखन चुरा। मैया दमी पकड़ो तो मुझे। रुको, मुझे और न दौड़ाओ, आज तुम नहीं बचोगे। बलराम तुम सामने से हटो। अब तुम चलो। हाँ बलराम तुम हाथ मुंह धो लो। मैं नन्हे नटखट से आज सबकी जान कर रहूंगी। कृष्ण तुम बहुत नटखट होते जा रहे हो, क्यों फोड़ते हो मटकी और माखन क्यों चुराते हो बोलो। अरे ये क्या, तुमने मिट्टी क्यों खाई? चलो मुंह खोलो। नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोलते हैं। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, चलो मुंह खोलो मैं देखूंगी। हे भगवान, एक बालक के मुंह में पूरी सृष्टि कैसे दिखाई दे रही है। हे भगवान ये मैं क्या देख रही हूँ। हे भगवान जागो मैया, जागो ना मैया, जागो ना। मैं सुतपुत क्यों खो बैठी, क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। नहीं मैया तुम्हें कुछ नहीं हुआ, चलो। कृष्ण तुम मुझे फिर तो ना सताओगे? नहीं मैया कभी नहीं। कृष्ण तुम्हारा नटखटपन हर दिन बढ़ता जा रहा है। कृष्ण क्या करूं मैं तेरा, हाँ समझता ही नहीं है। बहुत हुआ, अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हुई। आज मैं तुम्हें बांध दूंगी, फिर देखूं तुम कैसे माखन चुराते हो। अरे ये रस्सी छोटी क्यों पड़ गई? कृष्णा कृष्णा बंधे रहो, अब समझ में आएगा। भगवान हमें मुक्ति दी, धन्यवाद। हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। हमारे नटखटपन से तंग आकर नारद जी ने हमें श्राप देकर अर्जुन के वृक्ष बना दिए थे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, नारद जी ने कहा था आप स्वयं इन पेड़ों को गिराकर हमें इस श्राप से मुक्ति देंगे, और वो दिन आ गया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। कृष्णा मेरे लाल, तुझे चोट तो नहीं आई, तू ठीक तो है? हमारे शिशुओं के लिए स्थान भयानक होता जा रहा है। हा? राक्षस हम पर आक्रमण करते रहते हैं, यहाँ हमारे शिशुओं के प्राण सुरक्षित नहीं है। मेरा विचार है हम सब चल के वृंदावन में वास करें। आपका विचार पूर्णतः उचित है, हम यहाँ वास नहीं करेंगे, वृंदावन में हम सब सुरक्षित रहेंगे। चलो अब हम यहाँ से कूच करने का प्रबंध करें। यही उचित होगा। क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं जो उस बालक को मार सके? क्या तुम सब कायर हो? हाँ, मैं कायर नहीं, मुझे आज्ञा दे।
हाँ मैं आपके लिए उस बालक का वध करूंगा। मैं गौ रूप धारण कर उसके समीप जाऊंगा और छल से उसे मार डालूंगा। वत्सासुर, मुझे तुम पर गर्व है, जाओ और उसकी मृत देह के साथ ही लौट कर आना। अभी गया। तनिक देखो तो, वो गौ हमारे समूह की नहीं लगती। वह गौ नहीं, राक्षस है, देखो तो। देखो देखो कितना बड़ा है, उसके दंत कितने भयानक हैं। हाँ हाँ, कितने बड़े और कितने नुकीले। कृष्ण, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि वो राक्षस है? भैया, क्या तुम कागा की भांति काँव काँव कर सकते हो? काँ 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 काँ। कृष्ण, क्या तुम मोर की भांति नृत्य कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो देखो तो। पनघट से पनिहारन आए, देखभाल गलियन में जाए। पनघट से पनिहारन आए, देखभाल गलियन में जाए। मटकी को ना पाए संभाल, आयो नखट नंदला। यशोदा का लाल नाम बड़ा नटखट है, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। बहुत हुआ, सदा हमारी मटकियाँ फोड़ता है। यशोदा, अपने ललना को अच्छा पाठ पढ़ाओ, अब अति हो चुकी, सदैव हमारी मटकियाँ फोड़ देता है। वो और उसके सखा सदा हमारी ताक में रहते हैं और सदा हमारी मटकी फोड़ देते हैं। कुछ निदान करो इस समस्या का। किंतु कृष्ण तो यही घर के कार्य में मेरी सहायता कर रहा है। हाँ, बड़ा भोला बनता है, परंतु है नहीं, हम सब समझती है उसके कार्य को। अभी तो हमारी मटकी फोड़ी है और यम भाग आया होगा नटखट कहीं का।
किंतु कृष्ण कृष्ण यहाँ आओ। क्या है मैया? यहाँ आओ तुम। तुमने इनकी मटकी फोड़ी? ना मैया, मैं तो नहीं, मैं तो यही था। मैं तुम लोगों से तंग आ गई। सदैव मेरे लाल पर लांछन लगाती हो। मैं तुम्हारी बातों में आकर इसकी बहुत पिटाई कर चुकी हूँ। चलो जाओ यहाँ से। सदा मेरे लाल पे लांछन लगाती रहती हो। देखो तो कितना भोला है मेरा लाल, मेरा कृष्ण। मेरा मुंह क्यों ताक रही हो? जाओ यहाँ से। बड़ा भोला बनता है। हाँ ताया तो अच्छा पाठ पढ़ाएंगे। चलो सखियों। हाँ नहीं तो मैया, क्या तुम आज मुझे माखन दोगी? आज अगर तुम किसी को सताओगे नहीं तो तुम्हें माखन दूंगी। ना मैया, नहीं सताऊंगा। क्यों भोले भाले, क्या कोई दूजा कार्य नहीं करोगे? आज गऊ चराने नहीं जाओगे? कहाँ हैं तुम्हारे नटखट मित्र और कहाँ है तुम्हारी बंसी? है ना, मैं अभी चला। मुझे यमुना का जल पीना है और आज हम गेंद से भी नहीं खेले। चलो हम सब गेंद से खेलते हैं यमुना तट पर। रुको तो, मैं भी खेलूंगा गेंद से। रुको ना। अरे सखा सखा उठो ना, बोलो क्या हुआ? हे भगवान, यमुना के जल में विष है। मुझे पता है ये कालिया का ही कार्य है। रुको कालिया, मैं देखता हूँ तुम्हें। जो भी हमारी नदी के जल में आएगा मेरे विष से मारा जाएगा। दूर रहो। उदय हुआ है युग में आलोक कृष्ण काल आ
आज आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, आपके चरण कमलों से हम पवित्र हो गए। परंतु दया प्रभु, ये नांग आपके घात और अधिक सहन नहीं कर सकता, यह मर जाएगा। कृपया क्षमा करो। ठीक है कालिया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु मेरा आदेश है कि तुम यमुना के पवित्र जल को छोड़कर चले जाओ इसी समय। जो आज्ञा भगवान। देखो मित्रों, यमुना का जल फिर से स्वच्छ और पावन हो गया। आज बड़ी गर्मी है, चलो फिर से डुबकी लगाते हैं, चलो आओ। सुरीली तान कभी नहीं सुनी। हाँ सखी, मैं जब भी इसे सुनती हूँ ऐसे भाव विभोर हो जाती हूँ जैसे संसार के सारे बंधनों से मुक्ति मिल गई हो मुझे। तट पर छुपके आए और गोपियन के वस्त्र चुराए, यमुना तट पर छुपके आए और गोपियन के वस्त्र चुराए, मैया यशोदा तेरो लाल आयो। काना, हमारे बस से वापस करो हमें, हम बाहर कैसे आए, लज्जा नहीं आती तुम्हें, वापस करो नहीं तो हम यशोदा से कह देंगे। तुम सब सदैव मेरी मैया से मेरी आलोचना करती रहती हो, मुझे माखन खाने नहीं देती, अब वचन दो मुझे और मेरे मित्रों को माखन खाने दोगी। कान्हा, ऐसा नहीं करते, हमारे वस्त्र वापस दे दो। वचन देती हो या नहीं? सखी, कान्हा वचन लेकर ही मानेगा, दे देते हैं वचन, वस्त्र बिना हम क्या करेंगे। कान्हा, हम वचन देते हैं, अब तो लौटा दो हमारे वस्त्र। ठीक है, किंतु अपने वचन को भूलना मत, ये लो अपने वस्त्र। तुम ये पाठ कहाँ ले जा रहे हो, क्या करोगे इनका? ये सब भगवान इंद्र की पूजा के लिए हैं। पिताश्री, ये कौन से उत्सव की तैयारी हो रही है, ये किसकी पूजा है, क्या महत्व है इस पूजा का? अरे रुको रुको, इतने सारे प्रश्न एक साथ। हम वर्षा देवता देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं, उनकी दया से हमें वर्षा मिलती है, ये सारी तैयारी इंद्रदेव की पूजा की है। पिताश्री,
वर्षा देना तो उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। यदि आप उनकी पूजा ना भी करें, वर्षा तब भी होगी। निर्बल और निर्धनों को अन्न वस्त्र देकर उनकी सेवा करना, क्या ये सभी पूजा नहीं? क्या उनकी प्रार्थनाओं से हम सबको प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी? हमें तो विशाल गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और हमें निर्धनों में दान पुण्य करना चाहिए। कृष्ण ने सत्य कहा, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। वो हमारे लिए भगवान ही है, उन्हीं से हमें फल फूल ईंधन और चारा प्राप्त होता है। हाँ, कृष्ण ने सत्य कहा, चलो चलो पूजा का प्रबंध करें। वृंदावन वासियों की ये धृष्टता कि मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। अब इन्हें मेरे कोप का भाजन बनना पड़ेगा। तुम्हारी बात मानी और भगवान इंद्रदेव की पूजा नहीं की। उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए देखो क्या किया। हम निर्बल हैं, लाचार हैं, अब क्या करेंगे? चिंता ना करो, भगवान गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। आओ मित्रों, शीघ्र आओ, हम गोवर्धन की छत्र छाया में सुरक्षा पूर्वक रहेंगे। दिवस से वर्षा हो रही है, हे भगवान ये कब थमेगी? हम कब अपने घरों को लौट सकेंगे? जलमग्न हो गई है, हम घर कैसे जाएंगे? हमारे खेतों में अन्न कैसे होगा?
यह बालक तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। मैंने इसे न पहचान कर बहुत बड़ी भूल की है। मेरी इस भूल को क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। देवराज इंद्र, जीवित रहने के लिए प्राणियों को हर वर्ष वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर वो आपकी पूजा ना भी करें, तो भी उन्हें वर्षा पहुंचाना आपका कर्तव्य है। आप देव हैं, आपको अहंकारी नहीं होना चाहिए। क्षमा करें प्रभु, मैं मानता हूं कि मैं अहंकारी हो गया था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवराज इंद्र, कृष्ण की लीला ने यूं सभी के मन को मोह लिया। वध कर डाले असुर कई यूं काल आगे बढ़ चला। उदय हुआ है युग नया लो कृष्ण काल आ गया। कृष्ण काल आ गया। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, थक गया मैं ये नाम सुनकर। क्या यहाँ कोई ऐसा वीर नहीं जो उसे मार सके? मैं जानता हूं महाराज, अब तक के आपके सारे वार व्यर्थ सिद्ध हुए। नारायण नारायण, सुना है देवकी के आठवें पुत्र कृष्ण ने तुम्हारे सारे असुरों को मृत्यु के घाट उतार दिया। नारायण नारायण, उसने तो बलवान अरिष्टासुर को भी नहीं छोड़ा। नारायण नारायण, अरिष्टासुर को भी मार डाला। मेरी सहन शक्ति समाप्त हो गई है। क्या कहा तुमने? कृष्ण ही देवकी की आठवीं संतान है। इसका अर्थ ये कि देवताओं ने मुझसे छल किया और मेरी बहन ने भी मुझसे झूठ बोला। प्रहरी, वासुदेव और देवकी को पुनः बंदी गृह में डाल दो। नारायण नारायण, कंस तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का न्योता दो? यहाँ तुम उन्हें बड़ी सरलता से मार सकते हो। नारायण नारायण। ये अच्छा सुझाव है। अक्रूर जी, आप पुराने मित्र हैं, आप गोकुल प्रस्थान करें और वासुदेव के पुत्रों को धनुष यज्ञ उत्सव के अवसर पर मथुरा नगरी पधारने का निमंत्रण दें। जो आ गया महाराज, आप जो चाहते हैं वही होगा। एक बार वो मथुरा आ तो जाए, फिर उसका वध कैसे करना है वो मैं देखूंगा। नारायण नारायण। वो अपनी
मन में अभिमान है खिलता, कान्हा का वहाँ दर्शन मिलता, मन में अहम का अंश जो लाए, कान्हा के वो मन को दुखाए। क्षमा कर दो हम गोपी अन्न को क्षमा, बंसी की मीठी तान सुना दो, व्याकुल मन को फिर बहला दो। कृष्ण, ये मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझे अपने चरण स्पर्श का अवसर दिया, मुझे अपने चरणों में रहने दो। आकाशी, मुझे लज्जित ना करे। मैं यहाँ मथुराधीश महाराज कंस का न्योता लेकर आया हूँ। उन्होंने धनुष्य यज्ञ उत्सव के अवसर पर आप दोनों को मथुरा पधारने का निमंत्रण भेजा है। हम प्रसन्नता पूर्वक चलते हैं आपके साथ मथुरा। हम अवश्य आएंगे मथुरा, अभी आप विश्राम करें, आपको भूख लगी होगी। माता आप रोए ना, हम कैसे जाएंगे मथुरा, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। पुत्र, अक्रूर जी, आप मेरे पुत्रों को न ले जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बहुत छोटे हैं, मेरे बिना कैसे रहेंगे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। अक्रूर जी, चिंता ना करो बहना, ये दोनों भाई मथुरा समारोह के लिए जा रहे हैं और शीघ्र ही वापस लौट आएंगे, और भला बलराम और कृष्ण को कुछ हो सकता है। बलराम, तुम अपने भाई की सहायता करना। हाँ माते, आप चिंता ना करें। स्वामी, मेरे पुत्र। ना रो सखियों, राधा ना रो, मैं तुम्हें सदा के लिए नहीं छोड़कर जा रहा हूँ, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। सखियों तुम ना रो। काकाश्री, आप रो क्यों रहे हैं? वृंदावन में तुम्हारी अश्रुपूर्ण विदाई देखकर मेरा मन भर आया, और अब मैं तुम्हें मथुरा लिए जा रहा हूँ, जहाँ कंस तुम पर अत्याचार करेगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। अब मेरा मन कह रहा है मैं तुम्हें वापस वृंदावन छोड़ दूं, मथुरा ना ले जाऊं, वहां तुम्हारे प्राण संकट में रहेंगे।
काकाश्री धीरज धरे, आज तापमान अधिक है। मेरा विचार है कि आप यमुना के शीतल जल में स्नान कर ले, मन प्रसन्न हो जाएगा। हे प्रभु, आप जगत में सर्वशक्तिमान हैं। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्य भाग मेरे कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मुझे आपने अपने पावन रूप में दर्शन क्यों दिए। काकाश्री, क्या कारण है कि स्नान के बाद आप कुछ खोए खोए से हैं? कुछ हो गया है क्या? हे कृष्ण, क्षमा करें, मैं आपकी अद्भुत शक्तियों से अपरिचित था, इस कारण मन अशांत एवं शंकित था। किंतु अब मैं आपकी शक्तियों से पूर्णतः परिचित हो चुका हूँ। अब मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आपको मथुरा ले जा सकता हूँ। हे पुत्र, मैं कंस की दासी कुब्जा हूँ। पुत्र, मैं राजघराने के लोगों के ललाट पर चंदन का तिलक लगाती हूँ। आज तुमसे बढ़कर इस सम्मान का अधिकारी तुझा कोई नहीं है। आप मुझे यह अवसर प्रदान करें पुत्र। आपकी जय हो, जो आपने मुझा भागन पर अपनी दया दृष्टि डाली। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी जय हो। जय हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। बात है ये तो सदियों पुरानी, सच है ये ना समझो कहानी। रहता सदा है नाम जगत में, जिसने बोली प्रेम की वाणी। बात है ये तो सदियों पुरानी, सच है ये ना समझो कहानी। काकाश्री, ये धनुष यहाँ कैसे?
ये कंस महाराज का अनमोल धनुष्य है धनुष यज्ञ उत्सव के लिए। मैं देखना चाहता हूँ। घर जाओ बालक, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। इस अनमोल धनुष को छूने की चेष्टा ना करना। भीड़ बढ़ रही है, मेरे विचार में हमें यहाँ से तुरंत कूच करना चाहिए। जैसे आपकी इच्छा काकाश्री। कल प्रातः मैं आपको मल युद्ध समारोह में ले चलूंगा। काकाश्री, कंस से भेंट हो तो मन प्रसन्न हो। कल उत्सव में कंस भी होगा। महाराज, अति अशुभ समाचार है। आपका विराट और अनमोल धनुष कृष्ण ने तोड़ दिया। संपूर्ण मथुरा वासी उसकी जय जयकार कर रहे हैं। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, इतना अशुभ समाचार लाए हो। उन्हें अभी कंस की असीम शक्तियों का ज्ञान नहीं है। अरे कोई है, महावत को उपस्थित करो अभी इसी समय। आपने याद किया महाराज? हाँ, तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। कल प्रातः गजराज कुवल्य पीठ को मुख्य द्वार के निकट रखना और उन दो बालकों को देखते ही गजराज के पांव तले कुचल डालना, इसमें चूक ना हो। ऐसा ही होगा महाराज। स्वामी, हमारे पुत्री इसी नगरी में है। मेरे क्रूर भाई के कारण हम उन्हें देख भी नहीं सकते। ओ, दुख न किसी को तुम पहुंचाना, प्रेम से सबको अपना बनाना। रिश्ते नाते रख न सकोगे, देखो इनको तोड़ न जाना। मान गया जो है वो ज्ञानी, सच है ये ना समझो कहानी। कुवल्यपी, द्वार के बीचों बीच ये क्या कर रहा है? महावत, ये हाथी द्वार के बीच क्यों खड़ा है? इसे आगे या पीछे हटा लो, हमें रास्ता दो। ये हाथी भयानक है, सावधान भैया सावधान। गजराज को वल्यपीर को कान्हा ने गेंद की तरह उछाल दिया। जाते कहाँ हो? बताओ किसने भेजा तुम्हें? क्षमा करो मुझे।
मेरी कोई भूल नहीं, मैंने तो सिर्फ आज्ञा का पालन किया है। क्षमा क्षमा करें। ये कार्य किसका होगा कृष्ण? चलो आगे बढ़ते हैं। शाबाश, वाह! आओ आओ, स्वागत है तुम दोनों का। ये मलयुद्ध का अखाड़ा है, आओ अपने कौशल दिखाओ। नहीं योद्धा नहीं, आप अपने रण कौशल दिखाएं। हम तो बालक हैं, हमें मलयुद्ध नहीं लड़ना है। नहीं, हम तुम्हारे बल देख चुके हैं, तुम दोनों पहलवानों में पहलवान हो। अभी अभी तुमने जिस हाथी को मार गिराया है वो तो 100 हाथियों के बराबर शक्तिशाली था। आओ हम तुम्हें चुनौती देते हैं। हो चुकी, तुम दोनों मेरे राज्य में आकर मेरे ही योद्धाओं को मार रहे हो, ये मैं सहन नहीं कर सकता। सैनिकों, इनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो। भैया, भैया, हट जाओ दुष्ट कंस, तुमने एक अबला नारी के केश पकड़कर उसे घसीटने की दुष्टता की है। मैंने तुम्हारे 100 अपराध क्षमा किए हैं। आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे पापों का अंत करूंगा कंस, तुम्हारा जीवन काल समाप्त हुआ।
मूर्ख कंस का काल आ ही गया। अब उसे कृष्ण से कोई नहीं बचा सकता। उसके पापों का घड़ा भर चुका था। धर्मी समझ न पाया, पाप पुण्य से जा टकराया। जो होता था वही हुआ है, धर्म विजयता सदा रहा है। धर्म अधर्मी समझ न पाया, पाप पुण्य से जा टकराया। जो होता था वही हुआ है, धर्म विजयता सदा रहा है। किसकी चलती है मनमानी, सच है ये ना समझो कहानी। रहता सदा है नाम जगत में, जिसने बोली प्रेम की वाणी। मेरा पुत्र स्वामी, हमारा पुत्र कृष्ण, मेरी लहर। प्रणाम स्वीकारे माता। आयुष्मान बाबा। स्वामी, हमारा पुत्र प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने, कृष्ण मेरे लाल। कैसा है तू मेरे लाल, मेरा चंदा। आशीर्वाद दे पिताश्री। प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, तुम जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। हे कृष्ण, तुम मेरे छोटे भ्रात हो, यह सोचकर मैं स्वयं को गर्वित और भाग्यशाली समझने लगा हूँ। कंस का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने एक नवयुग का शुभ आरंभ किया और मेरे आंचल में पलने वाली मेरी संतानों का उद्धार किया। आगे चलकर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में मुख्य भूमिका निभाई, अर्जुन के सारथी बने, किंतु ये कथा फिर कभी। जय श्री कृष्ण। Thank you.
Let's chant it. Use our faith. This is the real deal. He's standing by me all the way. You're gonna help me through the day. Holding me up when I'm weak. Helping me find what I see. Wiping my tears when I cry. Everyone said Jaya, Jaya, Jaya. Jaya, Jaya, Jaya. Jaya, Jaya, Jaya. Govinda. Jaya, Jaya, Jaya. Jaya, Jaya, Jaya. Jaya, Jaya, Jaya. Gopala. Demons, mice. Live it up, bro! It's so cool to be Nazi. He's the strongest, he's the coolest. He's my idol, he's my hero, he's my god. नंदलाला जय गोविंदा जय गोपाला